नमस्कार, आप देख रहे हैं धे टीवी और मैं आपके साथ हूं एक नए और बेहद दिलचस्प वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। मुद्दा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। नवंबर 2024 में अमेरिका अपने अगले राष्ट्रपति को चुनेगा और इस बार मुकाबला है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच। लेकिन कुछ छोटी पार्टियां जैसे कि ग्रीन पार्टी से जिल स्टाइन भी चर्चाओं में हैं। हालांकि अब तक कोई तीसरी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पाई है, तो आज हम जानेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में नवंबर के पहले मंगलवार को होता है, लेकिन चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। जैसे अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का जन्म अमेरिका में होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और उसे पिछले 14 साल से अमेरिका में रहना चाहिए। जब कोई उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान में $5,000 से ज्यादा खर्च या इकट्ठा कर लेता है तो उसे फेडरल इलेक्शन कमीशन के साथ पंजीकरण करना होता है। इसके बाद उनका आधिकारिक चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि प्राइमरी और कॉक्स क्या है। एक्चुअली जब उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हैं तब प्राइमरी और कॉक्स की प्रक्रिया शुरू होती है। प्राइमरी राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनती हैं। प्राइमरी में लोग गुप्त मतदान करते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं। वहीं कॉक्स में चर्चा और बहस के बाद उम्मीदवार को समर्थन दिया जाता है। कॉक्स और प्राइमरी 3 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन प्राइमरी, जहाँ कोई भी वोट कर सकता है। दूसरा क्लोज प्राइमरी, जहाँ सिर्फ पार्टियां से जुड़े सदस्य वोट कर सकते हैं। और तीसरा सेमी क्लोज, जो ओपन और क्लोज दोनों का मिश्रण होता है। प्राइमरी और कॉक्स के बाद चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने उम्मीदवार को समर्थन देते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन वह जगह है जहां पार्टियां अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों का चुनाव करती हैं। यहां चुने गए प्रतिनिधि वोट देकर राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन करते हैं। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो अतिरिक्त वोटिंग राउंड होते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार फिर अपने उपराष्ट्रपति का भी चयन करता है। अब आता है चुनाव का दिन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का दिन आता है नवंबर के पहले मंगलवार को। वोटर्स किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं, चाहे उन्होंने प्राइमरी में वोट किया हो या नहीं। कुछ लोग पहले से ही मेल या अनुपस्थित मतदान यानी एब्सेंटी वोटिंग के माध्यम से वोट कर सकते हैं, जो राज्यों के नियमों के अनुसार होता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, इलेक्टोरल कॉलेज। अमेरिका में राष्ट्रपति को सीधे जनता के वोट से नहीं चुना जाता, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्य उन्हें चुनते हैं। हर राज्य को अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। जनता अपने राज्य में वोट करती है, लेकिन वो असल में इलेक्टर्स को चुन रही होती है, जो बाद में राष्ट्रपति चुनते हैं। अधिकतर राज्यों में जो उम्मीदवार जनता के वोट में जीतता है उसे सभी इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अपने वोट दिसंबर में डालते हैं और फिर जनवरी में कांग्रेस इन वोटों की गिनती करती है। नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करता है, जिसे इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं। इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमें बताइए कि आप किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धे टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।